हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने? जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए, तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदाने जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद आवर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था, उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदाने जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी, तो हजरते तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। यह फरमाने शाही सुनकर हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था, और गुर्बत व मुफलिसी का यह आलम था कि बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे, तो रास्ते में एक पत्थर यह बोला कि ऐ हजरते दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरते मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ऐ हजरते दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरते हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ऐ हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई, तो हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफों से आगे बढ़े, और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी, तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका, और यह तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरते तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के क़त्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरते तालूत को फतेह मुबीन हो गई, और अपने ऐलान के मुताबिक हजरते तालूत ने हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 साल के बाद जब हजरते तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया, तो हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी तरह से सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरते शम्बील अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, तो अल्लाह ताला ने हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबुव्वत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबुव्वत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 साल तक सल्तनत और नबुव्वत दोनों मनसबों के फराइज पूरे करते रहे, और फिर आपके बाद आपके फर्जंदा हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुव्वत दोनों मरतबों से सरफराज फरमाया। इस वाकिये का इजमाली बयान पुराने मजीद की सूरह बकर में इस तरह है कि तर्जमे कंजुल ईमान और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया माश। हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम ने बावजूद यह कि अजीम सल्तनत के बादशाह थे, मगर उम्र वो अपने हाथ की कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको यह मोजिज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नर्म हो जाता था, और आप उससे जिरहे बनाया करते थे और इनको फरोख्त करके इस रकम को अपना जरिया माश बनाए हुए थे, और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी थी। दरसे हिदायत नंबर 1। हजरते तालूत की सरगुश्त की तरह हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फजलो करम फरमाता है, तो एक लम्हे में राई पहाड़ और जर्रे को आफताब बना देता है। गौर करो कि हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसिन लड़के थे और खुद निहायत ही मुफलिस और एक गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने इनको कितने अजीम
और बड़े बड़े मरातिब व दर्जात के एजाज से सरफराज फरमा दिया कि इनके सर पर ताजे शाही रखकर इन्हें बादशाह बना दिया और एक बादशाह की शहजादी इनके निकाह में आई और फिर नबुव्वत का बुलंद मर्तबा इन्हें अता फरमा दिया कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई बुलंद मर्तबा हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला की कुदरते काहिरा का जलवा देखो कि जालूत जैसे जाबिर और ताकतवर बादशाह का कातिल हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया जो एक कमसिन लड़के और बीमार थे और वो भी इनके तीन पत्थरों से क़त्ल हुआ। हालांकि जालूत के सामने इन छोटे छोटे तीन पत्थरों की क्या हकीकत थी, जबकि वो 300 रतल वजन की फौलादी टोपी पहने हुए था। मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक चूंटी को हाथी पर गालिब कर दे और अल्लाह ताला अगर चाहे तो हाथी एक चूंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 2 वाकिये मस्कूरा बाला में आपने पढ़ लिया कि तालूत दबगरी यानी चमड़ा पकाने का पेशा करते थे या बकरियां चराते थे और हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहले बकरियां चराया करते थे और फिर जब अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बना दिया और नबुव्वत के शरफ से भी सरफराज फरमा दिया तो इन्होंने अपना ज़रियाए माश जिरहे बनाने के पेशे को बना लिया। इससे मालूम हुआ कि रिज़्क़े हलाल तलब करने के लिए कोई पेशा इख्तियार करना, ख्वाह हो दबगरी हो या चरवाही हो या लोहारी हो या कपड़ा बुनना हो, अलगरस कोई पेशा हरगिज हरगिज नज़लील है न इन पेशों के जरिए रोजी हासिल करने वालों के लिए कोई जिल्लत है। जो लोग बंकरों और दूसरे पेशावरों को महज इनके पेशे की बिना पर जलील व हकीर समझते हैं वो इंतहाई जहालत व गुमराही के गढ़े में गिरे हुए हैं। रिस्के हलाल तलब करने के लिए कोई जायज पेशा इख्तियार करना यह अंबिया व मुरसलीन और सालिहीन का मुकद्दस तरीका है, लिहाजा हरगिज हरगिज पेशावर मुसलमान को हकीर जलील शुमार नहीं करना चाहिए। बल्कि हकीकत तो यह है कि पेशावर मुसलमान उन लोगों से हजारों दर्जे बेहतर है जो सरकारी नौकरियों और रिश्वतों और धोखा देही के जरिए रकमें हासिल करके अपना पेट पालते हैं और अपने शरीफ होने का दावा करते हैं। हालांकि शरण उससे ज्यादा जलील कौन होगा जिसकी कमाई हलाल न हो या मुश्तबा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने या समझने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह कुरान और हदीस के सच्चे वाकयात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।